सो हेलो गाइस, की हाल, मेरा नाम नितेश है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में मैं साईनगर शिरडी जाने वाला हूँ। महाराष्ट्र एक फेमस धार्मिक स्थल है साईनगर शिरडी, और मैं उधर जाके आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें और मैं हम लोग करते हैं और कॉस्टिंग के बारे में बताते। तो मेरे साथ चार दोस्त है, वो भी चित्तर पित्तर, मतलब नितेश भाई, सुनील भाई और गणेश भाई। चार दोस्त है और चारों तबाही है, फुल बाम है। तो आगे मिलता हो सो क्या। फाइनली हम लोग मनमाड़ पहुंच चुके हैं। ये मनमाड़ जंक्शन है, ये सेकंड हॉल्ट है हमारा। और यहाँ पे आपको बोल सकते हो, ये है जो अपना, इसकी खास बात यहाँ मनमाड़ की है कि जो खद रहते हैं उसके गोदाम इधर ज़्यादा है मनमाड़ में, और इसलिए यहाँ पे बहुत फेमस है मनमाड़, क्योंकि बड़े बड़े जगह भी है ना। मिलते आगे। तो हाय गाइस, यहाँ पे 2:57 हो चुके हैं और लास्ट स्टॉप कोपरगाँव पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक फेमस टेंपल भी है, दैत्य गुरु शुकराचार्य करके एक फेमस टेंपल है जो यहाँ पे लोकेटेड है कोपरगाँव में। तो हम लोग 2:57 में पहुँच चुके हैं। सो गाइस, हमारा ट्रेन देखो खुल चुका है, तो मिलते हैं आगे आपको लास्ट स्टॉप शिरडी। ओके बाय। हम लोग अभी बार में आ चुके हैं। तो तकलीफ के बाद होटल बुक हो गया आखिर में, बहुत ही मजा आ गया। देख लो भाई लोग अपने इधर साथ में, नीते भाई, हाँ भाई, टीवी चालू कर रहे, टीवी हो नहीं रहा। सुनील भाई, हाँ भाई, धन्या भाई, अरे वो तो सो गए, मतलब सो गया भाई अपने, बहुत ही मतलब तकलीफ के बाद ये होटल बुक हो गया आखिर के। अभी ये कॉस्ट आपको मैं बताऊंगा लास्ट में। गाइस हम लोग तैयार हो गए, देख लो आप लोग, और हम लोग तैयार होके अभी जा रहे हैं बाबा के दर्शन को। अभी तो शायद से 10 बज गए, तो 10 बजे हम लोग निकल रहे और एकदम मजा आया। हम लोग फाइनली पूरा एकदम जा रहे अभी, और आगे आपको मिलता हूँ। ठीक ही, यहाँ पे आते ही ना आपको कोई भी इधर आएंगे ना तो बोलेगा 1 नंबर गेट से जाओ, ये लो, हार लो, फूल लो, तो उनके बात पे ध्यान ना दे और अपना खुद अपन अपने से जाए। और उधर आपको जो चढ़ाना है, ऐसे तो शिरडी में शाही बाबा के मंदिर में चढ़ता नहीं कुछ, आपको वो रिटर्न ही लेके आना पड़ेगा, पर रहता है ना इच्छा कुछ चढ़ाने का, तो आप लेके जाओ और करो कुछ अपने मन से जाओ, पर लोगों का मत सुनो कि इधर है तो इधर जाना है वो, क्योंकि वो आपको लेके जाएंगे और वो अपना सेटिंग रहता है दुकान वालों के साथ, तो दुकान वाले के साथ सेटिंग रहता है तो उनको भी पेमेंट मिलता थोड़ा, और उसमें से आपको आप लेते तो उसमें उसका भी फायदा हो जाता है। तो खुद जाए और खुद करो। गाइज यहाँ से हम लोग अभी अंदर जाएंगे, यही है 3 नंबर गेट से हम लोग अंदर जाने वाले हैं मंदिर की तरफ और शाही बाबा का दर्शन करने वाले हैं। और गाइज आपको मैं बता दूँ, यहाँ अगर सीधा जाएंगे तो आपको आगे चप्पल और मोबाइल रखने के लिए जगह भी मिल जाएगा। और गाइज हम अगर दर्शन करके वापस इधर आते हैं तो हमें 25 रुपये के एक पैकेट प्रसाद यहाँ ही पे मिलेगा बाजू में 3 नंबर गेट के बाहर। और मैं आपको बता दूँ कि चप्पल और मोबाइल कहाँ रखते, जैसे कि ये रहा जगह चप्पल और मोबाइल रखने के लिए। तो गाइस सतर्क रहे और अच्छे से जाए।